सनसनी खेस खुलासा किया है। पुलिस ने करीब 18 दिन से लापता शख्स का बोरे में बंद कूड़े के ढेर में दबे शव को बरामद किया और हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और एक कार बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक ने बताया चंदोसी निवासी मृतक के परिजनों ने बीते 18 मई को 40 वर्षीय नीरज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें परिजनों ने किशन नाम के शख्स को नामित करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी ने बताया इस मामले में एक और आरोपी भीकम जो किशन का रिश्तेदार है को भी गिरफ्तार किया गया है। जो नीरज है उसकी डेड बॉडी कस्बे के बाहर एक कूड़े के ढेर से वहां पे दबी हुई थी, वहां से बरामद की गई है। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त एक आल्टो गाड़ी व आला कत्ल भी बरामद किया गया है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि जो किशन है इसने गोली मारकर 18 तारीख की रात को ही नीरज की हत्या कर दी थी तथा उसके बाद बोरे में इसकी बॉडी को सिलकर और